नमस्कार, मैं पंकज तिमोर, आपका स्वागत है बोराइल न्यूज़ में। आप सभी को पता है जो डिमाहासाव जिले के हर चुनाव क्षेत्र में हम लेके जा रहे हैं आपको, और हर चुनाव क्षेत्र का जो उन्नयन का काम हम जो ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो दिगर चुनाव क्षेत्र में कितना उन्नयन हुआ नहीं हुआ। हम आपको पिछले कई न्यूज़ में भी हम दिगर चुनाव क्षेत्र के बारे में बताए जो कितने गाँव जो अभी भी पिछड़ा हुआ है, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो मुंगजंग जो गांव है जो दिगर चुनाव क्षेत्रों में जो पिछड़ा एक सबसे पिछड़ा गांव बोल सकते हैं, ये गांव में जो समस्या बोल सकते हैं, एक समस्या एक पैकेज में है उनको, सब कुछ का समस्या है। आप रोड का बोलिए, मेडिकल का बोलिए, पानी का बोलिए या इलेक्ट्रिसिटी का बोलिए, सब कुछ का इस गाँव में समस्या ही समस्या है। इस गाँव में कोई भी समस्या का सोल्यूशन अभी तक भी हुआ नहीं है। हालांकि जो ये गाँव जब से एस्टैब्लिशमेंट हुआ है तब से इनका समस्या समस्या ही होके रहा है, लेकिन वहाँ की जो उनका जो MSC उनको वो वोट दे के आ रहे हैं, लेकिन जो उनका समस्या है समस्या होके रहा है, लेकिन उनका समस्या कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और एक चीज़ हम आपको बता सकते हैं, जो डिमाहासाव जिला जो है, जो डिमाहासाव जिला से जिला का जो मंत्री है, अभी पावर मंत्री जो डिमाहासाव जिले से है, जो फर्स्ट एक लेडी जो अभी मंत्री है, पावर मंत्री है डिमाहासाव जिले के। लेकिन डिमाहासाव जिले में ऐसे भी गाँव है, ऐसी भी जगह है जहाँ अभी भी बिजली नहीं पहुंचा है। बिजली के नाम में सिर्फ वो सोलर लाइट यूज़ करते, वो भी खुद खरीद के सोलर लाइट यूज़ करते, और जो गरीब है वो लोग सोलर लाइट भी नहीं, वो लैंप के नीचे अपनी जो लाइवलीहुड चलाते हैं, जो लाइफ उनका चल रहा है। लेकिन सरकार बारंबार बोल रहा है जो उन्नयन का बात, लेकिन अभी भी ऐसे गाँव हैं जहाँ अभी तक जो उन्नयन पहुँचा नहीं है। चले पहले इस विषय में जो उस गाँव के गाँव बुरा ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। चुन थांग चांग सन मोंगजांग, तभी तो बोल है, अभी भी एक नंबर में रोड है, इसका बाद में रोड कब से कैसे बोलेगा, शुरू से इसे खराब है, अभी तो कोई पीस रोड बनाने वाला भी नहीं है। सरकार से तो बनाता है, छुरा छुरी बनाता है, ये लोग जगह जगह में ब्लॉक इतना लंबा भी नहीं लगाया, तकलीफ तो होगा, अभी भी तकलीफ है। बाजार गाड़ी जाने से भी कभी कभी फंस गया, आ नहीं सकता, बीमार होने से भी कोई स्रोत गाड़ी में लेके जाता था, तभी भी गाड़ी तो फंस गया, धक्का मार के चलते चलते कोई स्रोत जाता आता है। और दूसरा तो अभी तक एक गांव को 40 साल 50 साल हो गया, अभी कारण भी अभी तक नहीं मिलता है। कारण पोस्ट लगाया, तार लगाया, तभी भी लाइन नहीं है, पोस्ट लगाने वाला भी दलाई भी नहीं करता, सब तेरा बेकार हो गया, गिरने वाला भी बहुत है, कारण से तब्दील है बोल के हम लोग हो, जो हो हम लोग सोलर को किन के लगाता है। मिनिस्टर होने से भी अभी लोग नहीं बनाता क्या, तब भी नहीं होगा, तब भी तो होते हैं, अभी तो आप लोग भी देखा है, सोलर से चलता अभी सोलर से सब घर में तो नहीं है, कोई कोई गरीब आदमी लोग नहीं सकने वाला को ऐसे मेडिकल बीचिंग में तो है, तो कैफे में है, हम लोग के लिए तो बुर्सी में लगता था, हम लोग बीमार मामले से हम लोग रहता भी ठीक है, तभी भी गाड़ी में लेके थेरा थेरी लगा के तो कोई स्रोत कैफे में पहुँचा थीम पहुँचा, ऐसे मेन तो सबसे रोड है, रोड ठीक होने से तो सब तरफ में सुविधा हो जाएगा। इसके बाद में कारण पानी का तरफ तो अभी तक तो ठीक ही है, तभी भी सूखने के टाइम में तो इस साल में भी 2 बार ना 3 बार है पानी नहीं मिलता है। JJM का सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है, तो JJM दिया अभी तक नहीं बनाता, वो लोग क्या सोचता है मालूम नहीं, वो लोग बनाने से एक से नाला फिर जॉइन करके तो कोई स्रोत हो जाएगा बोल के, अभी तो वो लोग का चेहरा भी नहीं देखता, JJM तो नहीं बनाया अभी तक, नहीं बनाया।
आपको बनाए के बोलते खबर तो सुना है तभी भी लोग चेहरा नाच देखते हैं। क्या क्या बनाएगा वो? क्या क्या बनाएगा? तो पाई लगाएगा बुश्ती में, गांव घर घर में तो टेप बनाएगा, थमकी में जैसे बनाने वाला को हम लोग भी बनाएगा बोलता। खाली सुना है ना? नहीं बनाया, नहीं बनाया अभी तक, नहीं बनाया। आपका आप क्या बोलेगा? चिंगम में तो बना जा, थमकी में तो बना जा, बात बात की कोई बुश्ती में भी नहीं बना था, निवाह में भी नहीं बनाया, मंगला में भी नहीं बनाया, बनाएगा बोल के साल खत्म होने वाला हो गया। अभी जल्दी से जल्दी बनाने के लिए कोशिश करो। इसको डेवलप तरफ से इतना नहीं करता, इस साल में तो कोई जरूरत कोई तरह एक छूट दिया, स्कूल बिल्डिंग का छूट दे दिया और कुछ नहीं दिया। जगह जगह में तो लोग रास्ता तो बनाया बोल के, बनाया बोलने से भी उस रबे चुरा छुरी डाल के तो काम नहीं होता ना। पीस बनाने के लिए, पीस बनाने के लिए पीस रोड लगता है, थोड़ा थोड़ी ब्लॉक लगा के तो सब जगह में ठीक नहीं होता ना, बनाने से पूरी पूरा करने से अच्छा है आधा आधी मत करो। आधा आधी करके आधा आधी सोरेगा तो कुछ काम नहीं होता हम लोग के लिए, कुछ पैदा नहीं होता। कोई तो ये सबको जल्दी से जल्दी बनाने के लिए अब लोग भी बोलने से अच्छा है, पानी हो कोई कारण हो रोड हो तीन चीज सबसे इम्पोर्टेंट। मेडिकल के तरह में भी बस्ती में तो मेडिकल डिपार्टमेंट भी नहीं है, आशा तो है बस्ती में एक छू, आशा लोग तो क्या करेगा, वे लोग नर्स लोग भी कुछ कम कर नहीं सकता, आशा लोग से क्या करेगा। डिलीवरी होने से कैफे न होने से माए बाप सिरे से होने से तो क्या बोलेगा, लोग मरेगा जगह में। कभी भी मेडिकल कतर में भी बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए, कम से कम मोंगजांग में मेडिकल डिपार्टमेंट न होने से एक छो आशा, सिर्फ एक छो आशा तो है, नर्स भी नहीं है, कुछ नहीं है। हमने सुना जो ये उनका कहना है, जो उनका गांव में अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम, जो उनका जो समस्या है, उनका समस्या का कुछ भी सोल्यूशन हुआ नहीं है। हालांकि उनका जो ये गांव इतना पुराना होने के बाद भी उनका जो समस्या सोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन के टाइम में जो ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर ऐसे गांव में जाते और बड़े बड़े वादा करते हैं, लेकिन उनको वादा वादा ही होके रहता है, गांव वालों का सपना सपना ही रह जाता है, सपना कभी पूरा नहीं होता है। इसी तरह डिमा हसाव से जुड़ी हर एक न्यूज़ को आप देखने के लिए देखते रहिए बोराई न्यूज़।